हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग ओएमआर शीट के बारे में पढ़ेंगे। ओएमआर शीट क्या होता है और ओएमआर शीट का हमारे इस परीक्षा में क्या उपयोग है, उसका क्या फ़ायदा है, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ओएमआर शीट भरने के लिए हमें कैसे भरना है और कैसे उसको किस सावधानी के साथ भरना है, उसे आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के परीक्षा करीब आने जा रही है, इसलिए आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि अब आप लोग बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी लिखावट पर भी ध्यान देंगे। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़े और मेहनत के साथ पढ़े और मेहनत के साथ लिखे। लिखने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपका राइटिंग का अभ्यास होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में खास करके पढ़ेंगे कि ओ एम आर सीट क्या है, तो ओ एम आर सीट कैसे भरा जाएगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसको देखते हैं। किंतु दोस्तों, आप लोगों को हमेशा अब परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप लोग थोड़ा अब खेलने पर ध्यान थोड़ा कम दीजिए, पढ़ने पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, यही हमारी इच्छा है। और आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे डिवीजन आएँ, इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ें और मेहनत के साथ पढ़ने के साथ आप लोग लिखना मत भूलिएगा। जितना आप लिखेंगे, क्योंकि आपको 3 घंटे बैठ करके लिखना होता है, इसलिए आपका हाथ भी दर्द कर सकता है, हो सकता है आपको आता रहे आप लिख न सकें, इसलिए हमारी बात पर ध्यान जरूर दें। आप लोग लिखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें और लिखने से आपको याद भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो दोस्तों, चलिए हम किस तरह से ओएमआर शीट को भरा जाता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं इस तरह का आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा, जिसको ओएमआर शीट या ओ एम आर पत्रक कहते हैं, उत्तर पत्रक कहते हैं। इस ओ एम आर उत्तर पत्रक का हम और आंसर शीट का हम आप लोगों को एक प्रोफार्मा बना करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको रहेगा, देख रहे हैं इसमें इस तरह से ऊपर लिखा रहेगा ओ एम आर एस। इसके बाद नीचे देखिए निर्देश दिया रहेगा, केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें। इसके बाद देखिए परीक्षा तिथि, विषय का नाम, परीक्षा, परीक्षार्थी का नाम, डेट, फिर देखिए अनुक्रमांक, फिर कोड, इसके बाद परीक्षा, फिर कक्षा देखिए, फिर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। इसके बाद आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं कि प्री बोर्ड दे रहे हैं, सब इसमें आपको दिया रहेगा। और अंत में देखिए इस तरह से सही प्रश्नोत्तर के गोले को काली पेन से सही तरीके से काला करें। इसके बाद इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, कलर विथ ब्लैक पॉइंट पेन। तो अब आपको इसको इस तरह से करना है। तो आंसर शीट, इसके पहले जो आपको पेपर मिला रहेगा, उस पेपर में आप सभी प्रश्नों को कर चुके होंगे। अब उन सभी प्रश्नों को कर चुकने के बाद अब आपको इसमें इस तरह से भरना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है ABCD करके आपको भरना है। तो चलिए हम इस प्रोफार्मा को कैसे भरा जाएगा, इस ओएमआर शीट को कैसे भरा जाएगा, शुरू से हम आपको बताते हैं। ये तो आपने प्रोफार्मा देख लिया किस तरह का, इसी तरह का रहेगा। तो अब आपको इसको भरना है। तो इसे सबसे पहले आप कैसे भरेंगे, इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। तो चलिए हम शुरू से इसको भरना शुरू करते हैं। तो आप पहले भरने से पहले इसको अच्छे ढंग से खूब पढ़ लेंगे, इसमें इसका निर्देश क्या दिया गया है, कैसे कैसे करना है, आप अच्छे से पढ़ करके तब इसको आप भरना शुरू करेंगे।
तो निर्देश में उसमें ज़्यादा लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा, लेकिन हमने आपको केवल मेन पॉइंट दिखाया है कि केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें, उसमें और लिखा रहेगा। तो इसलिए अब आप देखिए, सबसे पहले देखिए लिखा गया है, अब आपको भरना है इसको। तो देखिए लिखा गया है परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि देखिए लिखा गया है कि परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसमें 8 खाने भरे बने हुए हैं। इन 8 खानों को आपको भरना है। मान लीजिए कि परीक्षा की डेट, आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं वह कोई ऐसी तारीख है, जैसे मान लीजिए कि 15 मार्च, तो 15 मार्च आप लिखेंगे 04, आप यहाँ पर लिखेंगे 15/04/2023, क्योंकि आप 2023 में परीक्षा में बैठेंगे, तो 2023 आपको यहाँ इस तरह से भर देना है। इसके बाद अब आपको देखिए लिखा गया है विषय का नाम, तो विषय के नाम में आपको अब लिखना है आपका कौन सा सब्जेक्ट है। यह सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सभी सब्जेक्ट्स में भरना होगा। तो आपके अपने अपने विषय से जो आपका विषय रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, वही आपको भरना है। जैसे मान लीजिए कि आपका गणित का सब्जेक्ट है, आपका मैथ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे गणित। इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे गणित। अगर आप चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे, हो जाएगा मैथ, मैथ्स लिख करके छोड़ दें या मैथमेटिक्स लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर देखिए लिखा गया है परीक्षार्थी का नाम, यहाँ देखिए परीक्षार्थी का नाम लिखा गया है, तो परीक्षार्थी के नाम में फिर देखिए इंग्लिश में लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है धीरज कुमार, तो आप यहाँ पर इस तरह से कैपिटल लेटर में लिख देंगे धीरज, धीरज कुमार। इस तरह से आप नाम लिख देंगे। इसके बाद अब नीचे आएंगे, देखिए लिखा गया है यहाँ पर, देखिए लिखा गया है अनुक्रमांक, अनुक्रमांक में आपका जो रोल नंबर होगा उसको भरेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर 1357906 84 है, इस तरह से आप भर देंगे जो भी नंबर आपको भरना है, जो आपका अनुक्रमांक रहे भर देंगे। अब इसको आपको देखिए नीचे इसमें दिया गया है कि 1 2 3 0 0 करके लिखा गया, इसको इसे भी आपको भरना है। तो सबसे पहले अब आप एक लिखे हैं तो एक को इस तरह से ऐसे काला कर देंगे, ऐसे इसको काला कर देंगे। फिर देखिए 3 लिखा है, तो आपको 3 को काला करना है। देखिए 3 यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसके नीचे, अब आपको इसमें नहीं काला करना है, आपको इसके नीचे 3 को काला करना है। इस तरह से आप 3 को ब्लैक कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ब्लैक आपको इस तरह करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो उभार आ जाएगा और कट भी सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम हाथ से करना है। फिर देखिए यहाँ पर 5 है, तब 5 के नीचे आप आइए और इसमें 5 को ब्लैक कर दीजिए। इस तरह से 5 को ब्लैक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर इसमें 7 है, तो इसके नीचे आइए और 7 को ब्लैक कर दीजिए। इस तरह से ये भी ब्लैक हो गया। अब इसके बाद देखिए 9, 9 को ब्लैक करेंगे, इसके नीचे है, यहाँ पर 9 को ब्लैक कर देंगे और ब्लैक पूरी तरह से करेंगे, उसमें तनिक भी जगह न दिखाई पड़े कि ब्लैक नहीं हुआ है। फिर देखिए 0, तो आप इसमें 0 की जगह इसको इस तरह से ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक हो गया।
इसके बाद देखिए छः है, छः के नीचे में आप छः को ब्लैक कर देंगे, छः ब्लैक हो गया। इसी तरह से आठ के नीचे आठ को ब्लैक कर देंगे, आठ भी ब्लैक हो गया। चार को ब्लैक करेंगे, चार के नीचे वाले में यहाँ से इस तरह इसको भी ब्लैक कर देंगे, ये हो गया। इसी तरह से अब आप देखिए यहाँ पर विषय कोड लिखा गया है, तो विषय कोड जो भी रहे, जैसे मान लें अगर विषय कोड 123 है तो आप यहाँ 123 लिख देंगे। इसके बाद इसको देखिए इसमें एक को ब्लैक करेंगे और दो के नीचे दो को ब्लैक करेंगे और फिर तीन के नीचे तीन को ब्लैक करेंगे। ऐसा करते हैं आपको समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा। फिर आपको देखना है कि परीक्षा आपकी कौन सी है, आप अर्धवार्षिक दे रहे हैं कि वार्षिक दे रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं। अगर आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें पहले लिख देंगे वार्षिक, यहाँ पर आप लिख देंगे वार्षिक। और फिर नीचे देखिए, आप देखिए यहाँ लिखा गया है अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, तो इसमें देखिए गोला बना हुआ है, तो प्री आपको वार्षिक के सामने जो गोला बना है उसको आपको पेंट कर देना है, उसको आपको कलर कर देना है। तो इस तरह से आपने उसको कलर कर दिया। अब देखिए लिखा गया कक्षा, अब आप किस कक्षा में हैं, कक्षा 9 में हैं, कक्षा 10 में हैं, या कक्षा 11 में हैं, या कक्षा 12 में हैं, जो भी कक्षा हो आप उस कक्षा को आप लिख दीजिए। मान लीजिए आप कक्षा 10 में हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कक्षा 10, इस तरह से आप कक्षा 10 लिख देंगे। अब 10 को आप ब्लैक करेंगे, देखिए 9 के सामने लिखा गया गोला बना है, 10 के सामने गोला बना है और 11 के 12 के बना है, तो आप क्या करेंगे 10 वाले गोले को ब्लैक कर देंगे, इस तरह से इसको आप ब्लैक कर देंगे। फिर देखिए आपको लिखा गया है पंजीकरण संख्या, आपका जो भी पंजीकरण संख्या हो तो आप पंजीकरण संख्या को ब्लैक करेंगे। मान लीजिए आपका पंजीकरण संख्या कुछ करके 001371829765 कुछ भी जो भी हो आप यहां पर अपना पंजीकरण संख्या भर देंगे। पंजीकरण संख्या भरने के बाद अब आपको इसको देखना है कि आपको इसको ब्लैक भी करना है, तो देखिए 0 के नीचे 0 को ब्लैक कर देंगे, फिर देखिए 0 है तो इसको भी 0 को ब्लैक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको 1 ब्लैक करेंगे, फिर देखिए 3 है तो 3 को ब्लैक करेंगे। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया, अब आप बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं। इस तरह से इसमें 7 को ब्लैक कर देंगे, इस तरह से इसमें 9 को ब्लैक कर देंगे, और जो भी दिया है जिसके नीचे जो भी नंबर दिया गया है इस तरह से आप ब्लैक करते चले जाएंगे। और आप का इस तरह से ये आपका ओमआर सीट भर गया। अब ओमआर सीट जब भर गया तब आपको अब इसमें आप जो प्रश्न उत्तर किए हैं, जो आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न या जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं, उन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को अब आपको देखिए नीचे इस तरह से दिया गया है, उसमें आपको भरना है। देखिए निर्देश में दिया गया है कि सही प्रश्न उत्तर के गोले को काली पेन से सही तरीके से काला करें, कलर विथ ब्लैक पॉइंट पेन, कुछ भी लिखा रहेगा अब आपको करना है। अब देखिए जैसे आपने प्रश्न एक को किया है और प्रश्न एक में अगर आपका उत्तर डी सही है तो आप डी को इस तरह से, प्रश्न एक के डी को इस तरह से ब्लैक कर देंगे, इसी तरह से इसको ब्लैक कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए दो में आपका बी सही है तो आप बी को ब्लैक करेंगे, इस तरह से इसको ब्लैक कर देंगे। तीन में मान लीजिए आपका सी सही है तो सी को ब्लैक कर देंगे, इस तरह से सी ब्लैक हो गया। चार में मान लीजिए ए सही है तो आप ए को ब्लैक कर देंगे,
पांच का आप सी से ही है तो सी को ब्लैक कर देंगे। आशा करते हैं कि अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप बड़े सरल ढंग से कर लेंगे। इस तरह से आपका जो सही उत्तर होगा उस सही उत्तर को आप इस तरह से ब्लैक करेंगे। इस तरह से आप जो भी रहेगा आप इस तरह से उसको ब्लैक कर दें। जो भी आपका उत्तर होगा दसवां का जो होगा दसवां का करेंगे। मान लीजिए तेरहवां का है तेरहवां का, जो भी रहेगा बीसवां का जो है बीसवां का। इस तरह से आपको कर लेना है। अब आशा करते हैं कि आप बहुत ही सरल ढंग से कर लेंगे। अब आपको सावधानियां क्या करनी है, आपको ये सावधानी करनी है कि अगर मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो गया, आप किसी किसी भी गोले में किसी भी क्रम संख्या में मान लीजिए तीन में ही आप इस तरह से दो गोला लगा दिए हैं, तो आपको क्या करना है। आपको इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो गोला गलत है उसको आप इस तरह से गलत कर दें, ऐसे ऐसे गलत कर देंगे, बस हो गया। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई, आपसे मिस्टेक हो गया कि आप प्रश्न नंबर 11 में डी को गोला कर दिया और जबकि आपका आंसर सही था ए, तो आपको इसमें भी आपको घबराना नहीं। आप क्या करेंगे, आप ए को ब्लैंक कर देंगे और डी को आपको इस तरह से ऐसे क्रॉस लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा और आशा करते हैं कि अब आप कभी भी अपने जीवन में अगर इस तरह से OMR शीट भरना होगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और क्योंकि आपको हर जगह आप ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं, ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि जहां से आपको परीक्षा दे करके ही आगे बढ़ना है। आपको ये परीक्षा के बाद एक परीक्षा फिर आपको परीक्षा, इसलिए अब दोस्तों आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ें और बहुत ही मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि अब ये टेक्निकल युग हो गया है और इस युग में आपको बिना परीक्षा दिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। न तो आपका डिग्री काम करेगा और नहीं आपकी कोई सोर्स या कुछ काम करेगा। इसलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस दौड़ में आप लोग आगे निकलने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस MR शीट को अब कभी भूलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे ढंग से भर सकते हैं। और ये MR शीट आपको इसी परीक्षा में नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षा देंगे सभी परीक्षाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।